हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई नियाग्रा फॉल्स में गिरे तो इसका क्या नतीजा सामने आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। नियाग्रा फॉल्स सबसे लंबी फॉल्स की लिस्ट में तो नहीं आती, लेकिन ये धरती की सबसे मशहूर फॉल्स जरूर हैं। नियाग्रा फॉल्स इतनी मशहूर है कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसको विजिट करने आते हैं। तीन ऐसी वाटरफॉल्स हैं जिनको मिलाया जाए तो फिर नियाग्रा फॉल्स बनती हैं। लेकिन इन तीन में से जिस वाटरफॉल को सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं वो है कैनेडियन हॉर्सशू वाटरफॉल। कैनेडियन हॉर्सशू वाटरफॉल तकरीबन 57 मीटर ऊंची और 670 मीटर चौड़ी है। इसके एज से पानी तकरीबन 109 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नीचे गिरता है। हर सेकंड इस वाटरफॉल के एज से 28 लाख लीटर पानी नीचे गिर रहा होता है। इसकी हाइट, स्पीड और पावर को देखते हुए इस बात का यकीन करना मुश्किल है कि अगर कोई इससे नीचे गिरे तो वो बच पाएगा। लेकिन ऐसा पहले काफी बार किया जा चुका है और इसको करने वाली सबसे पहली इंसान थी एनी एडसन टेलर। 1921 में ये एक आयरन बैरल के अंदर गई थी और फिर उसको नियाग्रा फॉल्स के एज से नीचे फेंका गया था। इसके बाद 1928 में जॉन लूसिए एक स्टील की बॉल में बंद होकर भी नियाग्रा फॉल्स के एज से नीचे गिरे थे। लेकिन हर कोई इन दोनों की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। नियाग्रा फॉल्स से नीचे गिरने वालों में से 50% से ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर सके थे। रेस्क्यूअर्स का कहना है कि जिन लोगों ने सर्वाइव किया था वो सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत की वजह से ही बच पाए थे। लेकिन ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए नियाग्रा फॉल्स से नीचे गिर के भी सर्वाइव किया जा सकता है। जब आप नीचे गिरेंगे तो आपके आसपास बहुत ज्यादा पानी होगा और ऊपर से आने वाले पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, तो नीचे गिरने से पहले आपको एक लंबा सांस लेना होगा। आपको अपने सर को भी नीचे लगने से बचाना होगा, इसलिए आपको चाहिए कि ऐसी पोजीशन में आए कि आपकी टांगें नीचे की तरफ हों। इसके अलावा आपको अपने मसल्स टेंस करने होंगे और इम्पैक्ट से बिल्कुल पहले अपनी टांगें अपनी बॉडी के पास लानी होंगी। अगर आपने फॉल सर्वाइव भी कर ली है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी मुश्किलात का खात्मा हो गया है। फॉल से नीचे पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास होता है, तो आपके पास हाइपोथर्मिया से बचने के लिए सिर्फ 15 मिनट होंगे। नीचे गिरने के बाद आप जख्मी और डिसओरिएंटेड तो जरूर होंगे, लेकिन अगर आप कुछ मिनट के लिए काम रहें तो आप नियाग्रा फॉल से गिरकर सर्वाइव करने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको कभी नियाग्रा फॉल्स जाने का मौका मिले तो आपको चाहिए कि एहतियात बरतें और इसके कोने से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, बने रहिएगा।